फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होम रेमेडी लेके आई हूं। हर बार की तरह, जैसे कि आपको पता है, ईद बस एक दो दिन ही रह चुके हैं और जो सिस्टर परेशान है कि यार हम एक हफ्ता पहले ही कुछ कर लेते, फेशियल करवा लेते, हमारी स्किन वाइट हो जाती। बस आपने घबराना नहीं है। जैसे हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, बस फिर आपने भी घबराना नहीं है। बस जी फ्रेंड्स, बस आपने आज की रेमेडी देखनी है और फिर इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह ताला आपको इसके बहुत ही अच्छे से बेनिफिट मिलेंगे और ये मास्क जो है वो आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा, ग्लो करेगा आपकी स्किन को इंशाल्लाह ताला, और आपकी स्किन को ब्लीच कर देगा। बहुत ही अमेजिंग है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि मैं बनाऊंगी एलोवेरा के साथ और विटामिन सी टैबलेट के साथ। तो आपको पता है एलोवेरा आपकी स्किन की ग्लोइंग के लिए कितना अमेजिंग है और स्किन पे शाइनिंग लाने के लिए बहुत ही अमेजिंग है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट। योगर्ट तो आपको पता ही है स्किन व्हाइटिंग ब्राइटिंग करने के लिए बहुत ही अमेजिंग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, इसमें मैं जूलियन का जो है ब्लीच पाउडर यूज करूंगी। ठीक है, आपके पास कोई भी मौजूद हो वो ले लें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पैकिंग जो है किस टाइप की होती है। ठीक है, जो अक्सर पानी में डाल के भी पिया जाता है। ठीक है, ये वाली टैबलेट ही आपने लेनी है, दूसरी टैबलेट नहीं लेनी है आपने, ये वाली ही लेनी है विटामिन सी की। और इसका इस्तेमाल आप पानी के गिलास में एक गिलास पानी का लेके आप उसमें भी डाल के भी पी सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग, इससे स्किन व्हाइटिंग भी होती है, स्किन के जो निशान है वो ऐसे ऐसा रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने ये टैबलेट जो है इसका पाउडर इस तरीके से मैंने बना लिया है। ठीक है, आपने भी इस तरीके से ही पाउडर बना लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर आपने बना लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने लेना है एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा मैं आपके सामने ही कटिंग करके दिखाऊंगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, साइड से जो है वो आपने कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि मैंने छोटा ही इसका पौधा लिया है, मैंने बड़े वाला नहीं लिया, क्योंकि हमें 1 टीस्पून ही चाहिए। मेरे घर में ये पौधा मैंने खुद रखा हुआ है, तो जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। अगर ये आपके पास मौजूद नहीं है तो आप कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप बाज़ार का भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको यही इस्तेमाल करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपने जो है इसमें ऐड कर देना है एलोवेरा, और 1 टीस्पून हम एलोवेरा लेंगे। ठीक है, आपने अंदाजे के साथ ले लें, अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप टीस्पून ले लें। ठीक है, आप चम्मच ले लें, उसमें ऐड करके आप इसमें डाल दें। तो इस तरीके से मैंने जो है इसमें ऐड कर दिया है। अब जो दूसरा पौधा है आपने उसका भी, जो दूसरी साइड का जो था उसे भी हमने, उसमें से भी जितना भी एलोवेरा है वो हमने निकाल लेना है। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं एलोवेरा जैसे ही मैंने इसमें ऐड किया है बबल्स बन रहे हैं। ठीक है, और आपने फौरन ही अपनी स्किन पे लगाना है। ठीक है, इसके रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे आएंगे। अब हमने 1/4 टीस्पून जो है ना ये ब्लीच का पाउडर लेना है। ठीक है, मैं जूलियन का ले रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून योगर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, बस अब आपने क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप ये देख सकते हैं कितना फ्लॉपी सा हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके का ये फ्लॉपी होगा, आपने फौरन से अपने फेस पे लगाना है। ठीक है, इसे, और जिन सिस्टर के फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं प्लीज़ वो भी ग्रेस करें इसे इस्तेमाल करने से, यानी कि ब्लीच का पाउडर जो है वो आपने नहीं डालना। ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो इसमें रहने देना है, आपने मिक्स करना है और लगा लेना है। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आएंगे। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं, और आपने इसे बिल्कुल भी रखना नहीं है, उसी वक्त ही आपने बनाना है और इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है, जैसे कि मैं आपको हर बार बता रही होती हूँ वीडियोस में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये फ्लफी सा है, और मैं इसे फौरन से अपने हैंड पर अप्लाई कर लूँगी। ठीक है, इस तरीके से आपने इसे अप्लाई कर लेना है, और तकरीबन मैं 20 सेकेंड के लिए जो है ना इसे मसाज भी करूँगी। ठीक है, आपने इसे मसाज करना है ताकि जितने इसके बेनिफिट है ना वो हमारी स्किन में चले जाएं। ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने करना है, और मैं हल्के हाथों के साथ कुछ सेकंड के लिए जो है वो मैं मसाज कर लूँगी। ठीक है, और इससे ये होगा आपकी फेस पे, नेक पे जितनी भी मेल कुचैल होगी वो इंशाल्लाह सारी रिमूव हो जाएगी। आप अपने हैंड एंड फीट पे भी अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला आपके फेस के साथ साथ आपके हैंड एंड फीट भी वाइट होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने मसाज कर लेना है जैसे कि आप देख सकते हैं, और आपके सामने ही मैं मास्क जो है वो रिमूव करके दिखाऊंगी इसके कितने ज़बरदस्त रिजल्ट हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं मैंने लगा लिया है, मसाज कर लिया है। अब आपने तकरीबन इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। 15 मिनट वेट करने के बाद आपने वॉश कर लेना है, ठीक है। जी फ्रेंड्स, अब 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ड्राई हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके का ये ड्राई हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको साफ करके आपके सामने ही दिखाऊंगी स्पंज के साथ, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट जाके जो है वो वॉश कर लेना है। प्लीज जब ये आप मास्क यूज करें उसके बाद आप कोई भी साबुन या फेस वॉश नहीं यूज करें, तकरीबन 1 या 2 घंटे के बाद ही आप यूज करें, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट होंगे। इंशाल्लाह ताला आप इसे 1 वीक में एक बार यूज करें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त है इसके रिजल्ट हैं, ये देखें आप, ठीक है। कितनी जबरदस्त इससे स्किन वाइटिंग हो चुकी है, ब्लीचिंग हो चुकी है स्किन, और इससे स्किन जो होगी आपकी इंशाल्लाह ग्लो भी करेगी। और आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल चीजें मैंने इसमें ऐड की हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने इसमें ऐड की हो। और इससे आपकी स्किन ना सिर्फ वाइट होगी, ब्राइट होगी, बल्कि आपकी स्किन सॉफ्ट भी होगी इंशाल्लाह, और शाइनिंग भी होगी, और बहुत ही खूबसूरत सी आपकी स्किन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी आपको इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी। चाहें आप अपने घर में, आपकी किचन में बहुत ही चीज़ें होंगी, नेचुरल चीज़ें होंगी, इसका इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त से बेनिफिट मिलेंगे। उम्मीद है आज की होम रेमेडी आपको बहुत ही पसंद आई होगी इंशाल्लाह ताला। आपकी बहन आपके लिए बहुत सी अमेजिंग वीडियो लेके आती रहेगी। और ऑल फ्रेंड्स को मेरी तरफ से ईद उल अधा बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जाना चाहती हूँ, अपनी बहन को दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।